अस्सलामु अलैकुम टीटीएस नॉलेज के प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक बुजुर्ग की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि आज मैं एक सवाल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। औरत की इस बात को सुनकर उन बुजुर्ग ने फरमाया कि पूछो, क्या पूछना चाहती हो। आपकी ये बात सुनकर वो औरत आपसे अर्ज करने लगी, एक शख्स मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है लेकिन वो मुझे छूने की कोशिश करता है और अपनी जिंसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुझसे मिलने की कोशिश करता है। आप मुझे बताएं कि क्या ये मेरी मोहब्बत मेरा गुनाह है। उस औरत का ये कहना था कि उन बुजुर्ग ने उस औरत से फरमाया, ऐ औरत, याद रखना कि मोहब्बत का ताल्लुक जिस्मानी मजे से नहीं, जिस्मानी ख्वाहिशात से नहीं, बल्कि मोहब्बत का ताल्लुक रूह के सुकून से होता है और ये सुकून तभी हासिल होता है जब वो किसी की मोहब्बत के अंदर अपने खुद के वजूद को खम कर लेता है। ऐ औरत, याद रखना कि अल्लाह की जात ने मोहब्बत की पहली सीढ़ी का नाम ही इज्जत रखा है और याद रखना कि जो शख्स जो इंसान तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है, अगर वो जमाने के नज़दीक तुम्हें वो रिश्ता ना दे सके जिसमें इज्जत हो, तो वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं। और ये भी याद रखना कि जो मोहब्बत जिस्मानी ख्वाहिशात पर मबनी हो, जिन्सी ख्वाहिशात पर मबनी हो, जिस मोहब्बत में दुनिया का हिर्स और लालच शामिल हो, वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत का ताल्लुक तो रूह से होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और अपने दोस्तों अहबाब में जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना और गिर्दोनवाह के तमाम साथियों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।